नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज चुका है और एक और बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया और वहीं बीजेपी के इस नारे को सिर्फ जुमला और हवा हवाई बता रहे हैं विपक्ष के पार्टी के नेता और साथ ही सीएम नाब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर बीजेपी के सभी नेता देश में 400 पार और हरियाणा में फिर से 10 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। तो उधर कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी सभी 400 पार के नारे को जनता को गुमराह करने के लिए नारा बता रहे हैं। वहीं हरियाणा में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं होने के चलते कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सर्वे करा रही है और ये सर्वे खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के सीटों के लिए हो रहा है। संभावना है कि आगामी एक या दो दिनों में सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे, ना किसी की भी गुट के सिफारिश के आधार पर ये सीट तय की जाएगी। और वही आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस दौरान हरियाणा में टिकटों को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। गुरुग्राम से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, अभिनेता राज बब्बर का नाम आगे बढ़ रहा है और साथ ही जबकि कुमारी शैलजा गुट पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की दावेदारी मजबूत बता रहा है। और वहीं इसी प्रकार भिवानी सीट पर श्रुति चौधरी के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी लॉबिंग कर रहे हैं और जबकि हुड्डा यहां से महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। वहीं चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ करनाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य वर्मा, आज सीएम नाब सैनी का करनाल दौरा है और सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है करनाल आज दौरे पर है और इसके साथ मनोहर लाल भी आज करनाल दौरे पर आए। ऐसे में प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो अब अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो है खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया, अब शिक्षकों के साथ जो है संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है, जो की अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। जी जी, लक्ष्य वर्मा, सीएम सैनी के दौरे और जनसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? लगातार सीएम नायब ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसको लेकर जनसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी करनाल में की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब से मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो अलग अलग तरीके से जो विभिन्न कार्यक्रमों में दौरे कर रहे हैं, उसके उपरांत जो कार्यक्रमों में जो है लोग शिरकत भी कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद जो है मनोहर लाल करते हुए समय नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं पहुंच भी रहे हैं और जो अलग अलग कार्यक्रम है वहां पर वो उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, लक्ष्य वर्मा, लगातार चर्चाओं में आ रहा है कि मनोज बेगम ने बीजेपी ज्वाइन की है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मनोज बेगम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? लक्ष्य वर्मा, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है हमारे साथ। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र वर्मा, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। ब्रजेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है, क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है? इसको लेकर कांग्रेस जो है वो अभी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं कर रही है, इसको लेकर
क्या कुछ प्रतिक्रिया? मैडम देखिए, मेरा नाम वर्मा नहीं है, बिजेंद्र नेहरा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी से अब जनता को कोई उम्मीद है नहीं, ना कांग्रेसियों को ही उम्मीद है, ना जनता को उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की जो लिस्ट है अब जनता में चर्चा है कि वो 5 जून को आएगी। चार जून को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद में 5 जून को वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा होगी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की घोषणा नहीं हो पाएगी। और कांग्रेस का चुनाव लड़ना या न लड़ना दोनों बराबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं दौड़ में है नहीं। जी ठीक है, बिजेंद्र नेहरा लगातार बनी रही है हमारे साथ, चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता जी, पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, आपकी लिस्ट में देरी हो रही है, विपक्ष हमला कर रहा है, कह रहा है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपका मान है, बीजेपी का साथी मान है, अभी या 2 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। दूसरी, 4 जून के बाद टिकट डिक्लेयर होगी, या खबर है। लगता है तकनीकी में खामी के कारण संपर्क टूट गया है, और लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सीएम सैनी लगातार प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज चुका है। एक और बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया है। बीजेपी के इस नारे को सिर्फ जुमला और हवा हवाई बताया जा रहा है, और साथ ही सीएम नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर बीजेपी के सभी नेता देश में 400 पार और हरियाणा में फिर से 10 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। और उधर कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी सभी 400 पार के नारे को जनता को गुमराह करने के लिए नारा बता रहे हैं। वहीं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता जी, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, आपके लिस्ट में देरी हो रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने भी बीजेपी प्रवक्ता को सुना है, वो कह रहे थे कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं है और 4 जून के बाद मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता को पहले ही बधाई दे देता हूँ कि आप तो इलेक्शन जीत के, जब आपके सामने कोई है नहीं, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लड्डू बंटवा दें और सोनिया जी मीठा मुंह कराएं, मेरा भी मूठा मुंह कराएं, तो आपने खुद ही बोला कि हम पे कैंडिडेट नहीं है। दूसरा, हम पे कैंडिडेट तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए सोनिया जी, हमारा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म जन कोरोस रैली के माध्यम से, जो हमारे अध्यक्ष हैं उदयवान जी और विपक्ष के नेता हुड्डा साहब, आप देख रहे हैं पिछले 4 महीने से जन कोरोस रैली करके हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। पूरा पार्टी की नीतियां से लोगों को जानकारी दे चुके हैं, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा और नीतियों की घोषणा सब हो चुकी है। देश को खुलाए हुए हैं। पहले इन्होंने खट्टर को उठाया, खट्टर साहब के एंटी कमेंट्री इतनी थी कि उनको उठाने नायब सैनी को लिया है। नायब सैनी जी भी परसों हमारे फरियाद में आए थे, और फरियाद की आप देखो, आपके पास टीवी की स्क्रीन की वो फुटेज होंगी, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कुर्सियां खाली थी, मात्र सीएम को सुनने के लिए 1500 आदमी थे। इतने आदमी तो हमारे कांग्रेस के एक छोटे मोटे नेता इकट्ठे कर देते हैं, ये अपनी बातें बना रहे हैं 400 बार। अरे भाई, 1984 में 404 सीट कांग्रेस आज से 25-50 साल पहले जीत चुकी है। 1984 की बात कर रहे हो आप, अभी 400 नारा दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ 400 नारा आप 250 सीटों पे सिमट जाओगे, 200-250 पे। सिर्फ गलत फहमी फैला रहे हो, इनकी सीटें बड़ी ही खास। सोनिया जी, इनसे पूछिए, हरियाणा में ऑलरेडी 10 सीटें जीते हुए हैं, मध्य प्रदेश में जीते हुए हैं, उत्तराखंड में जीते हुए हैं, हिमाचल में, तो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम सीटें इनकी हैं। कोई सीटें ऊपर से बढ़ जाएंगी क्या? नहीं, 732 की लोकसभा करने जा रहे हैं, जो इनकी सीटें 400 बार हो जाएंगी, आप बताइए।
इनकी सारी सीटें पूरी है, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, क्या सीटें उनकी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी क्या? जी नीरज गुप्ता जी, आपको समय दिया जाएगा लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के 400 पार के नारे को सिर्फ जुमला और हवा हवाई बताया जा रहा है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर के 10 की 10 से लोकसभा में एक साथ चुनाव कार्यालय खोल दिए, 90 की 90 विधानसभाओं में एक साथ चुनाव के कार्यालय खोल दिए, 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशी लगभग डेढ़ महीने पहले घोषित कर दिए, करनाल उपचुनाव के प्रत्याशी डेढ़ महीने पहले घोषित कर दिए, सारे प्रत्याशी सारे कार्यकर्ता जनता के बीच में पसीना बहा रहे हैं। ये कांग्रेसी एसी में बैठ के मौज मार रहे हैं और जब नतीजा आएगा, इनकी जमानत जब्त होगी, तो ये ईवीएम को दोष देंगे कि ईवीएम हैक हो चुकी है। आज ये बीजेपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे भैया, हमारी तो तैयारियां तेज हैं। आप बताइए ना, आज 24 अप्रैल हो चुकी है, 24 अप्रैल तक भी आज आपके एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आपकी पिंडली कहां पर है? बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप बिल्लों में दुबके बैठे हैं, तो आप क्यों, आपकी इतनी बुरी हालत हुई है ये बताइए ना। और जहां तक लड्डू बंटवाने की बात है, हमारे लड्डू तो पहले ही बटे हुए हैं, हमारा जीत का उल्लास भी पहले से जारी है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, मजबूत संगठन है हमारा। कांग्रेस के पास में ना संगठन है, ना नेता है, ना नीति है, बिना ड्राइवर की गाड़ी है। मैं पूछना चाहूंगा प्रवक्ता महोदय से, कौन है आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? एनडी गठबंधन का अभी तक तो जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, करेला की तरह कड़वी है, इसका स्वाद कभी नहीं बदलेगा। आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण, परिवारवाद के कारण ही इतनी बुरी हालत है कांग्रेस की कि इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। आज चुनाव में सिर्फ थोड़ा सा समय बाकी है, अभी इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इनकी बुरी तरह से सब जगह जमानत जब्त होने वाली है। हुड्डा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ रहे हैं प्रत्याशियों के सामने, भैया चुनाव लड़ लीजिए। कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पहली बार देश में हरियाणा प्रदेश की इतनी बुरी दुर्दशा हुई है मैडम कि कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, बलि का बकरा बने कौन? ये इसके पीछे कारण यही है कि कांग्रेस में देखिए कैसे जूता बांध रहा, आपस में लाठियां बांध रही है, सिर फोड़ रहे एक दूसरे का। कोई कह रहा मेरे ग्रुप का, कोई कह रहा मेरे ग्रुप का, वो एक दूसरे को मना कर रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, वो बलि का बकरा। भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है और कांग्रेस से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। 5 जून को भी प्रत्याशी उतारे हैं ना उतारे, मुझे लगता है इनमें डर बहुत ज्यादा है, खौफ है, दहशत है। अब ये चुनाव लड़ने की स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि इनके पास ना संगठन है, ना फील्ड में इनका कोई मैदान है, ना जनता इनके साथ है आज है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है सारे के सारे कांग्रेसी नेता। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी बने रहिए हमारे साथ, लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, लगातार बता दें कि बीजेपी की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, और नेता नहीं है तो बता दें कि चुनाव लड़ने से जो नेता है वो घबरा रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? प्रवक्ता ज्ञान नहीं है, मैं इनको याद दिला दूं, आज से पहले जितने भी लोकसभा सीटें हुई हैं इनकी पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर होती थी। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी पूरा इलेक्शन में एक महीना बाकी है। दूसरा, बीजेपी प्रवक्ता साथ ही कह रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और केरले की तरह कड़वे हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार केरले की तरह कड़वे हैं तो आप लेते क्यों हो? आपके यहाँ करेला क्या मीठा हो जाता है क्या? हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर आप करेले का स्वाद आपके यहाँ मीठा हो जाता है क्या? इस बात का जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारी को लेते क्यों होगा? इतनी आप पाकिस्तान पार्टी है, आप अपने भ्रष्टाचार भूल गए? हरियाणा में कोला घोटाला है जी, सहकारिता घोटाला, प्रजा का नगर निगम घोटाला, उसका क्या हुआ? खेल घोटाला क्या हुआ बताइए, कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ हवाबाजी करके हैं, सिर्फ बातें जनता को, जनता आपके दावों की खोल खुल चुकी है। आपने हरियाणा में हर कर्मचारी को पीटा है, चाहे वर्ग कोई भी हो, आंगनबाड़ी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, सबको लाठियों से मारा है। आप अपने काम देखिए ना, मुद्दों पर बात कीजिए, बेकार की बात मत कीजिए। हम पे नेता है नहीं है, नेता वो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। अगर बेरोजगारी की बात करिए मुझसे, हाँ जी रोजगार पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात करिए। हरियाणा में क्या बेरोजगारी दर थी और अब क्या है? हरियाणा में कितना लाख का कर्जा था? 7,000 करोड़ का कर्जा था जब कांग्रेस सरकार थी, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। सोनिया जी निवासी तो आपको बता दो, हर हरियाणा निवासी पे 1,23,000 हरियाणा निवासी में 2.5 करोड़ की आबादी पे, इनको ये चीजें पता नहीं है, सिर्फ बेकार की बातें करते हैं। लड्डू हमारे पहले बने पड़े, ये बने पड़े। अरे तो मुद्दों पर बात कीजिए ना, इलेक्शन मुद्दों पर लड़िए, मेरी बातों को जवाब दीजिए। महंगाई दर क्या थी, बेरोजगारी दर क्या थी,
और आप खेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? बेटी बचाओ भ्रष्टाचार की चन्नी, उससे क्या हुआ? आप हमारी पार्टी में से हमसे इस्तीफा मांगते थे, हम फोन इस्तीफा लेते थे। मनोहर खट्टर जी ने कहा मैं इसको नहीं डाऊंगा, क्यों नहीं डाया भाई? एक लड़की ने इसमें इल्जाम लगाया और बेटी बचाओ का नारा देते हो, सब हवाई नारे हैं। तब 15 लाख रुपए में आने थे उसका क्या हुआ? 100 समाज सेवी बनने थे उसका क्या हुआ? 2 करोड़ बेरोजगार थे उसका क्या हुआ? कोई बात हो जवाब है आपके? मेरी हर बात का जवाब दीजिए आप। सिर्फ बातें करने से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जो नेता आपके आ गया वो भ्रष्टाचार से साफ हो गया, केरले का करेले का स्वाद ही मीठा हो गया। अरे आपको ये सबरी का पेड़ है क्या? महाराज जो नीम का पेड़ मीठा हो जाएगा, बताइए आप भगवान है क्या धरती पे? जो आप देंगे सब साफ हो जाएंगे, पहले अपने अपने पाप तो साफ कर लो आप, फिर दूसरे की बात करना। ठीक है नीरज गुप्ता जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और गुरुग्राम से बिजेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिजेंद्र कुमार, मनोज बेगम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है, मनोज बेगम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दल से दूसरे दल में जो नाराज नेता होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, तो ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में या भाजपा से छोड़ के कांग्रेस में लगातार नेतों का प्लान हो रहा। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है कि गुरुग्राम की बात करें, जो गुरुग्राम सीट है गुरुग्राम की, वहां पर अभी तक कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अभी तक यहां पर डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतार दिया है, विजय खटाना को जो जिला अध्यक्ष थे गुरुग्राम के, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया। और ऐसे में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है, 400 का नारा दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोकसभा के मुद्दे हैं, क्या जनता नेशनल जो मुद्दे होंगे इस चुनाव में, लगातार विपक्ष भी लगातार भाजपा पर आरोप लगाता रहा है कि नौकरियां नहीं दी गई हैं और इस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों को वो जनता के बीच कांग्रेस भी ले जा रही है, भाजपा भी अपनी उपलब्धि गिनवा रही है, लेकिन ये तो साफ हो पाएगा 4 जून को कि किसका जो मुद्दा है वो फैक्टर कितना काम करा। हालांकि सब अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, जो प्रत्याशी उतार दिए गए हैं मैदान में लगातार प्रचारी चुनाव में जुटे हैं। कल आपको बता दें कि कल भी दिग्विजय चौटाला यहां गुरुग्राम पहुंचे थे, अपने प्रत्याशी का प्रचार किया था, वहीं भाजपा भी लगातार प्रचार कर रही है। तो ऐसे में अगर गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस देरी जरूर कर रही है, क्योंकि तमाम समीकरण देखते हुए हर पार्टी जातीय समीकरण देख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस लगातार अभी तक संगठन भी नहीं बना पाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं उसको देखते हुए पार्टी प्रत्याशी उसको उतारने का बात बबर है, उसका नाम चल रहा है, कप्तान अजय सिंह यादव का नाम चल रहा है। जी ठीक है बिजेंद्र कुमार, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ नीरज गुप्ता जी बने हुए। नीरज गुप्ता जी, बीजेपी का कुंभार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है? इसमें थोड़ी कांग्रेस नेताओं बस कोई कमी नहीं, आप पिछला तय देखिए 4 महीने से कांग्रेस के कितने नेताओं की ज्वाइनिंग करी है, सभी पार्टियों की ज्वाइनिंग का ग्राफ देखिए, सबसे ज्वाइनिंग का ग्राफ हमारा ऊपर है और लोगों के नेताओं की पार्टी, सब पार्टी हम पे आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, ये सिर्फ गलत कह रहे हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड में बात कीजिए, आप निकाल लीजिए जिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनका कुंभ बढ़ रहा है घट रहा है, आप मेरे से बात कीजिए ना, पिछले 4 महीने में हमारी पार्टी को कितने लोगों ने ज्वाइन किया, चाहे नए लोग हैं चाहे बीजेपी, जो बीजेपी के एमपी हमारी पार्टी में आ गए, लेकिन तो हमारे उनको जिंदल साहब को डर लगा गया है, वो अपनी मर्जी से आए, तो ऐसे कोई है नहीं है। अभी इनको स्टेटस देख दो पता चल जाएगा और 4 जून को हम खुशखबरी सुनाएंगे, जो उनकी 10 सीटें की मंशा है वो पूरी नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहता हम 10 सीटें जीतेंगे कि जनता जनार्दन मालिक है, जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता किसको वोट करेगी मैं ज्यादा घमंड की बात नहीं करता, लेकिन हमको इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देगा। अब ये 10 सीटें जीते, 4 जीते, 6 जीते, वो जनता तय करेगी। ठीक है, लगातार विजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र नेहरा, अभी अभी नई सरकार हरियाणा में बनी है, सीएम नायब सैनी की नई सरकार बनी है, और ऐसे में सीएम सैनी का ताबड़तोड़ प्रचार क्या हरियाणा में बीजेपी की साख को बचा पाएगा? विजेंद्र नेहरा, विजेंद्र नेहरा जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि तकनीकी खामी के कारण शायद संकर्प टूट गया है, और साथ ही हमारे साथ लगातार
कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, क्या लगता है कि प्रत्याशी लेट उतारेंगे तो बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि आपके प्रत्याशी के पास प्रचार के लिए भी वक्त कम होगा? मैडम, पहले बोला कोई प्रचार की कमी नहीं है, ना प्रचार के लिए वक्त कम होगा। हम पहले विधानसभा में चले गए, टिकट डिक्लेयर का ये मतलब नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे। हमारे कार्यकर्ता नेता अभी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। आप इनका देखिए, बीजेपी के लोगों को घुसने दिया जा रहा है कि वोट लग रहे हैं, इस गांव में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले कहा है, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म तैयार है, कैंडिडेट कोई भी हो उसको पूरी हेल्प मिलेगी। पूरी कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता नेता, जो छोटे स्तर पर बड़े नेता, हम मिलकर काम करेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आप देखिए, इनको हम धूल चुटा के मानेंगे। ये जिस हिसाब से हवा में है कि हम इतनी सीट जाएंगे, सिर्फ नारा है। आज तक इन्होंने जितने नारे दिए उनकी हवा निकल चुकी है। मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता बोला, मुस्लिम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर बात की, उनको इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि जो इनके तथ्य है उन पर बात कीजिए, इन्हीं की सरकार है, तथ्य निकालिए ना। जैसे कि 7,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज आप देखिए कितना कर्जा, 4,50,000 करोड़ का कर्जा है। हर हरियाणा निवासी पे 1,23,824 रुपए कर्जा है। मुझे, मैं नहीं कह रहा, इनके रिपोर्ट कह रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में देख लीजिए। तो ये सिर्फ बरगलाते हैं, जनता नहीं बरगलाएगी। जनता समझ चुकी है 10 साल में इन्होंने कितने वादे पूरे किए, क्या किया क्या नहीं। जनता इनकी वादों की पोल खुल चुकी है। ये भारतीय झूठ पार्टी है, सिर्फ एक गारंटी आगे देते हैं, आज की गारंटी कल की गारंटी। ये तो मैडम ऐसी झूठी पार्टी है जो उनके नेता कहते हैं 1,000 साल का रोड मैप तैयार करते हैं। बताओ, आपने भी शायद ये बात सुनोगी, ये तो भारत के लिए 1,000 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लोगों को 5 साल का भरोसा नहीं, 10 साल का भरोसा, 1,000 साल की बात कर रहे हैं। 1,000 साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये ऐसी झूठी पार्टी है, ऐसी गोलीबाज पार्टी है। ठीक है नीरज गुप्ता जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। नीरज गुप्ता, ज्यादा चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता गुरुग्राम से बने हुए थे विजेंद्र कुमार, आपका भी धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज चुका है और लगातार बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। सीएम नायब सैनी आज करनाल दौरे पर हैं, लगातार ताबड़तोड़ प्रचार सीएम नायब सैनी कर रहे हैं। और बता दें कि 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। True constant.